तो आज हम रोज वाली बोरिंग लौकी को कुछ स्पेशल अलग तरीके से बनाएंगे। घर में बच्चे से लेके बड़े सभी को ये सब्जी जरूर से पसंद आएगी। तो इस तरह से हमें लौकी के छिलके हटा लेने हैं और कुछ एक एक इंच के नाप के हम ऐसे स्लाइसेस बना लेंगे लौकी के। और एक टेबलस्पून फ्राई पैन में ऑयल लेंगे और इस तरह से हमें लौकी को रोस्ट कर लेना है। थोड़ा सा नमक ऊपर से हम स्प्रिंकल करेंगे ताकि लौकी जो है वो बहुत ही जल्दी से कुक हो जाए। अगर आपके पास फ्राई पैन नहीं है तो इस तरह का डोसे का जो तवा आता है नॉनस्टिक, उसमें थोड़ा सा तेल अप्लाई करके हम बहुत सारी लौकी के स्लाइसेस को एक साथ रोस्ट भी कर सकते हैं। तो हमें इसे मध्यम आंच पर कुक करना है लौकी के अच्छे से सॉफ्ट हो जाने तक। बीच बीच में हम इसे पलटते भी रहेंगे। तो ये देखिए लौकी एक तरफ से थोड़ी ब्राउन हो गई है, अब हम इसे इस तरह से पलट देंगे। तो लौकी के बहुत ही अच्छे से कुक हो जाने तक हमें ये प्रोसेस करनी है। तो अब हम 4 से 5 मिनट बाद चम्मच की मदद से चेक कर लेंगे लौकी जो है वो बहुत ही अच्छे से कुक हो गई है। तो इसे हम एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। एक ग्रेवी बनाएंगे जिसके लिए 2 मध्यम आकार के प्याज को हम इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे मिक्सर के जार में। एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेंगे और 7 से 8 लहसुन की कली को हमें मिक्सर ग्राइंडर में बहुत ही महीन ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए अब हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए एक पैन में हम 5 बड़े चम्मच तेल लेंगे और 1 टेबलस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग और ये जो हमने प्याज की पेस्ट बनाई थी ना वो हम पेस्ट इसमें ऐड कर लेंगे। तो अच्छे से हमें इसे मिला लेना है और ढककर मध्यम आंच पर हम इसे हल्का सा ब्राउन होने तक पकाएंगे। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो यहाँ पर मैंने 3 मध्यम आकार के टमाटर को मिक्सर में महीन पीस लिया था, तो अब हम इसे ऐड कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है इसे पीसते समय। तो सभी को हमें अच्छे से मिला लेना है और इसे ढककर मध्यम आंच पर तेल के अलग होने तक हम इसे कुक करेंगे और स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर लेंगे ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से पक जाए। तो ये देखिए तेल बहुत ही अच्छे से छोड़ दिया है ग्रेवी ने। तो इस तरह से हमें टमाटर और प्याज को बहुत ही अच्छे से पका लेना है। 1/4 कप जितनी यहाँ पर मैं घर की मलाई ऐड कर रही हूँ। अगर मलाई नहीं है तो फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो 1/2 कप जितना दही भी ऐड कर सकते हैं। दही खट्टा ना हो इस बात का ध्यान रखें। अगर दही ऐड करना नहीं चाहते तो 1 कप जितना दूध भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूध ऐड करें तो इसमें पानी ऐड ना करें। तो यहाँ पर मैं 1/2 कप जितना पानी ऐड करूँगी। तो इस तरह से हमें मलाई यानी कि फ्रेश क्रीम जो भी हम ऐड करें इसे भी हमें कवर करके थोड़ा कुक कर लेना है ऑयल के अलग हो जाने तक। मध्यम आंच पर हम इसे कुक करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो के साथ आप हमारे साथ बने रहें। तो अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, कितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से ऐड करें, 1 टेबलस्पून किचन किंग मसाला, इसकी जगह आप और भी कोई गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी इस तरह से हाथों से क्रश कर कर हम इसमें ऐड करेंगे। तो सभी को हमें अच्छे से मिला लेना है और मसालों को भी हम 2 से 3 मिनट ढक कर मध्यम आंच पर अच्छे से पका लेंगे। अगर आप चाहें तो ये ग्रेवी में लौकी के साथ थोड़े आलू भी फ्राई करके ऐड कर सकते हैं। मसाले जो है वो बहुत ही अच्छे से कुक हो गए हैं। तब हम इसमें रोस्ट की हुई लौकी भी ऐड कर लेंगे इस तरह से। तो लौकी जो है वो पहले से ही पक चुकी है तो इसे बस इसे मिला लेना है। लेकिन 2 से 3 मिनट हम इसे ढककर कुक करेंगे। जीरा राइस के साथ, पराठे के साथ या फिर फुल्का रोटी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक लिए बाय।